तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसलिंग हिंदी एंटरटेनमेंट। तो गाइस, आज वीडियो में बात करने वाले साल 2021 में AEW में सारे WWE सुपरस्टार के बारे में। तो गाइस, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं बिग शो के बारे में। तो बिग शो हमें लास्ट दिखाई दिए थे WWE में 4 जनवरी साल 2021 को लेजेंड नाइट रॉ में, और उसके बाद वो AEW में चले गए थे। उन्होंने 3 मार्च को AEW को ज्वाइन कर दिया था। नंबर टू की बात करते हैं, नंबर टू पर आते हैं क्रिश्चियन केज। तो क्रिश्चियन केज हमें लास्ट दिखे थे रॉयल रंबल 2021 में, उसके बाद उन्होंने अभी 7 मार्च को AEW को ज्वाइन कर लिया था। नंबर थ्री पर बात करें तो नंबर थ्री पर आते मार्क हेनरी। तो मार्क हेनरी भी हमें 4 जनवरी साल 2021 में दिखे थे लेजेंड नाइट रॉ में, और उसके बाद उन्होंने भी 30 मई को AEW को ज्वाइन कर लिया था। नंबर फोर पर बात करें तो नंबर फोर पर आते एलिस्टर ब्लैक। तो एलिस्टर ब्लैक हमें 2021 में WWE दिखा दिए थे लास्ट, उसके बाद उन्होंने 7 जुलाई 2021 को AEW को ज्वाइन कर लिया था। नंबर फाइव पर बात करें तो नंबर फाइव पर आते अंद्रादे। तो अंद्रादे ने 21 मार्च 2021 में हमें वो लास्ट टेलीविजन पर दिखाई दिए थे WWE के, उसे तो 4 जून को उन्होंने AEW को ज्वाइन कर लिया था। और नंबर सिक्स पर बात करें तो नंबर सिक्स पर आते रूबी राइट। तो रूबी राइट हमें 2 जून साल 2021 में दिखी थी WWE में, उसके बाद उन्होंने 5 सितंबर को ऑल आउट PPV में अपना AEW में डेब्यू कर लिया था। तो नंबर सेवन पर बात करें तो नंबर सेवन पर आते एडम कोल। तो एडम कोल हमें अगस्त साल 2021 में लास्ट दिखे थे NXT WWE में, उसके बाद उन्होंने भी ऑल आउट PPV 5 सितंबर साल 2021 में AEW को ज्वाइन कर लिया। और नंबर एट पर बात करें तो नंबर एट पर आते डैनियल ब्राइन। तो डैनियल ब्राइन हमें अप्रैल 2021 में दिखाई दिए थे लास्ट WWE में, उसके बाद वो भी 5 सितंबर को AEW ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ऑल आउट PPV का ये थे ऐसे WWE सुपरस्टार जिन्होंने 2021 में AEW को ज्वाइन कर लिया। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल में चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय दोस्तों।